लेकिन मैं शादी शरिया से ही करूंगा। आपको नजर नहीं आ रहा है कि ये सब लोग सिर्फ आपको मिलाने के लिए आए हैं ताकि आप खुशी खुशी इस शादी के लिए राजी हो जाएं? इन लोगों की इंसल्ट करके आप सिर्फ इनकी इंसल्ट नहीं कर रही, मेरी भी इंसल्ट कर रही। एक मिनट बात है प्लीज बहन। असल में एक बहुत अच्छा रिश्ता जोड़ने आए हैं। ये दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और बड़े होने के नाते, इनके वालदैन होने के नाते, हमें इन बच्चों को फैसिलिटेट करना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। आप मेरे बेटे के बॉस हैं, इसलिए मुझ पर रोक जमाना चाहते हैं। मैं आपसे कह चुकी हूँ ना, आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे से हरगिज नहीं हो सकती, तो बस नहीं हो सकती। Enough is enough। पापा, मामा, चले यहाँ से प्लीज। नहीं शजिया, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने सच्चे दिल से तुमसे मोहब्बत की है और मैं शादी तुम्ही से करूंगा। अम्मी, आपने सुन लिया मेरा फैसला? मैं शजिया से ही शादी करूंगा और उसके बाद शायद मैं इस घर में ना रहूं। अंकल, आंटी, आई एम रियली वेरी सॉरी अम्मी के बिहेवियर की वजह से। आप लोग मुझे बचपन से जानते हैं, मेरा करियर, मेरी जॉब, ये सब कुछ आपके सामने है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने और शजिया के लिए एक और अपार्टमेंट अरेंज कर लूंगा, हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। आई एम श्योर शादी पे अम्मी तो नहीं आएंगी, लेकिन मैं आपसे इतना वादा जरूर करता हूं कि मैं अपने कुछ ओपन माइंडेड रिश्तेदार और अपने दोस्तों को जरूर इनवाइट करूंगा और वो सब आएंगे। तो अंकल, आपकी इजाजत से क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। थैंक यू सो मच अंकल। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए आप लोग। अम्मी, मुझे आपकी मंजूरी चाहिए भी नहीं। अपनी शादी का फैसला करने का हक सिर्फ मेरे पास है और मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं शादी सिर्फ शरिया से ही करूंगा, चाहे आप राजी हो या ना हो। थैंक यू। किस लिए? अपनी बात पे कायम रहने के लिए। यार, आई रियली विश कि अम्मी खुशी खुशी मान जाती और शादी से पहले तुम्हें कबूल कर लेती। वैसे सीरियसली मुझे समझ नहीं आती कि माँ को क्या हो जाता है शादी ब्याह के चक्करों में। और स्पेशली बेटों की माओं को तो धनी ऐसा क्यों लगता है कि अपनी बहू के लिए मैं कोई आसमान से परी ही लेके आऊंगी। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस। वैसे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसी वजह से तुम अपनी अम्मी से फाइट कर रहे हो। तुम्हारे लिए नहीं, अपनी मोहब्बत के लिए लड़। वासे, I'll call you back. Okay, bye. अच्छा। मुबारक हो। बैठो। क्या हुआ? खुश हो ना? हाँ, लेकिन थोड़ा डरी भी हूँ।
अरे डर किस बात का यार, सब ठीक हो जाएगा। तुम इतने श्योर कैसे हो? उसकी एक वजह है, इनफैक्ट दो। पहले तो ये कि वासे इज अ वेरी स्मार्ट गाय, वेरी इंटेलिजेंट। तुम देखना वो सब कुछ ठीक कर देगा, वक्त जरूर लगेगा, अपनी अम्मी को भी मना लेगा। और फिर दूसरी वजह ये कि यू आर सुपर स्मार्ट एंड वेरी वेरी इंटेलिजेंट, तुम्हारे से कोई ज्यादा नाराज रह नहीं सकता। मैं जानता हूं तुम्हें, तो इसलिए फिर फिक्र किस बात की, सब ठीक होगा। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। और तुमने अम्मी और पापा को मनाया कि वासे के घर जाए, थैंक यू फॉर दिस स्पेशली। पागल होगी, मुझे थैंक यू कह रही हो? अपने किस लिए होते हैं, दूसरे की मदद करने के लिए ना बस। फिर अच्छा मुझे ये बताओ कि शादी पे क्या गिफ्ट चाहिए? एनीथिंग यू वांट, कोई महंगा सा गिफ्ट मांगो। इनफैक्ट मैं सोच रहा था यार, तुम्हारा जो ब्राइडल ड्रेस है वो मुझे गिफ्ट करना चाहिए। नहीं कम ऑन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे साथ तुम हो, मेरा भाई, दैट्स एनफ। सीरियसली खुश रहो। हेलो, बड़ी जल्दी फोन उठा लिया, तुम्हें लगा होगा उसका फोन है। तुमने इतनी रात को फोन क्यों किया? घर वापस आ जाओ और खुला किसे छोड़ दो। मैं फोन बंद करी हूँ सलमान। मुझे सास ये खुशी सोने नहीं दे रही कि बनने वाला हूं। सलमान तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए था, इसीलिए तुम मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, तुम भूल रहे हो ये बात। अच्छा अब दोबारा मत शुरू हो जाओ, इंसान से गलती हो जाती है, इंसान गलती का अजाला भी कर लेता है, माफी भी मांग लेता है, और मैंने भी माफी मांग ली थी, इसलिए अब मेरे सर कोई गुनाह नहीं है। अगर गुनाह किसी का सर है तो वो तुम हो। मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए तुम प्लीज बस कर दो। मैंने तुमसे लड़ाई करने के लिए फोन नहीं किया। मुझे बताओ डेट कौन सी मिली है? तुम्हें डेट मिल जाएगी, मेरी वकील तुम्हें बता देगी और लेटर भी मिल जाएगा। खुदा की कसम तुम तो पूरी फिरौन बन चुकी हो। मैं खुला और कोर्ट की डेट का नहीं पूछ रहा, डॉक्टर ने जो डेट दी है वो पूछ रहा हूं, क्योंकि मुझे भी उस दिन हॉस्पिटल आना है। कहां गई बताओ ना, मेरा बेटा किस दिन इस दुनिया में आने वाला है?